दोस्तों, समाधान वेब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर 2 दिन से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिस वजह से ना ही रिटेलर बन रहा था और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा था और ना ही यहाँ किसी तरह का हम काम कर पा रहे थे। तो गाइस, अब जो है समाधान वेब सॉल्यूशन के अंदर जो भी बग्स था वो फिक्स कर दिया गया है और अब पहले की तरह आप काम कर सकते हैं। इसमें आपका एक और APS को जोड़ दिया गया है। पहले था फिनो पेमेंट बैंक का APS लगा हुआ, अब जो है NXDL पेमेंट बैंक का APS इसके अंदर लग गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप APS के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको 2 APS मिल जाते हैं, एक फिनो पेमेंट बैंक का APS और एक आपको NXDL पेमेंट बैंक का APS लगा दिया गया है। जो कि आप अगर फिनो में काम करते हैं, फिनो में किसी तरह का सर्वर प्रॉब्लम होती है तो आप NXDL से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम NXDL के साथ कुछ ट्राई करते हैं। चलिए हम यहाँ से मोर्फो मंत्रा जो भी हैं उसे आप यहाँ प्लग इन करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे और इस पर 2FA का जो वेरिफिकेशन है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं तो गाइस देख सकते हैं हम जिस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 2FA का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको एक एरर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जैसे ही हम करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ एरर एक आ चुका है, मर्चेंट 2FA जो है इसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में है। जैसे ही अप्रूव हो जाते हैं तो आपका यहाँ आप APS के साथ काम कर सकेंगे। तो गाइस, आपका ये भी बग बहुत जल्द फिक्स कर दिया जाएगा और अभी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। इसमें थोड़ा सा कुछ अपडेट्स हैं और बग्स को फिक्स किया जा रहा है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पहले की तरह काम कर सकते हैं। अभी फिक्स किया है जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा था कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर किसी को अनबोर्डिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बग्स को फिक्स कर दिया है। और अभी जो बग है इसके अंदर APS के अंदर जो अभी देख सकते हैं, पहले ये था और अभी एक और ऐड कर दिया है NXDL पेमेंट बैंक का APS, तो दोनों के अंदर आपको बग्स मिल जाएंगे। तो इस बग्स को फिक्स करने के लिए गाइस आपको अपने हेल्प सपोर्ट के अंदर आपको व्हाट्सएप पे आपको इसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है और इस बग्स को आपको फिक्स करवाने के लिए उन्हें बोलना पड़ेगा कि हमारे APS के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ जो नंबर चल रहा है इस पे केवल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप से मैसेज करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि अभी 2FA का किसी APS के अंदर हम कर रहे हैं तो 2FA का भी एरर आ रहा है। देख सकते हैं जैसे ही प्रोसीड 2FA ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो लाइट जल रहा है, अपना अंगूठा रख रहे हैं, रखने के बाद देख सकते हैं यहाँ एक एरर मिल जाता है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने जो है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है, जो कस्टमर केयर का व्हाट्सएप नंबर है उस पे आपको सेंड कर देना है। जो अभी यहाँ आपको ये ग्रीन कलर में चलता हुआ आ रहा है, ये इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है। तो किसी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए आप व्हाट्सएप सपोर्ट ले सकते हैं दोस्तों, और इधर आप सब काम कर सकते हैं। यूटिलिटी के अंदर जितने भी काम है वो आप कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आप काम कर सकते हैं। पैन कार्ड बना सकते हैं और कई तरह का सर्विसेज हैं जिसमें आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो इसके अंदर APS का प्रॉब्लम चल रहा है तो ये APS का जो है वो बहुत जल्द हम लोग फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अंदर न्यू अपडेट जैसे आया है, NXDL APS को ऐड किया है, उसके बाद से इस सर्वर पे शायद किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्द सॉल्व कर दी जाएगी, इस बग्स को फिक्स कर दी जाएगी। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आने वाले अपडेट तक आप सब बने रहें दोस्तों। अगर गाइस आप हमसे आईडी लिए हैं तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां अपडेट देने वाला हूं, और इसका ऑफिशियली टेलीग्राम को भी ज्वाइनिंग कर लीजिएगा ताकि आपको भी वहां से भी अपडेट मिल सके।